हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पबजी पीसी लाइट बैन क्यों हो रहा है। हम लोग तो हैक नहीं यूज़ कर रहे, फिर भी बैन क्यों हो रहा है। तो ये सब क्या एरर वगैरह, पॉपअप वगैरह ये सब दिखा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम यही सब बारे में यही सब बात बात करेंगे, इसका सॉल्यूशन ढूंढने की ट्राई करेंगे, क्या क्या हम प्रिवेंशन ले सकते हैं कि ऐसा ना हो। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें फुली ये इन डिप्थ हम नहीं गए थे। इस वीडियो में हम इन डिप्थ जाएंगे, उसमें सिर्फ हम एक ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाले थे, इसमें हम सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखो भाइयों, बैन होने का बहुत सारे रीज़न रहते हैं। ठीक है, तो पहले तो रहता है हैकिंग। अगर आप हैकिंग वगैरह यूज़ कर रहे हो ना, तो आपका बैन होना मतलब नॉर्मल सी बात है, और मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हम लोग का बहुत जन का बैन इसलिए हो रहा है कि हम हैक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम हैक नहीं कर रहे इसलिए बैन हो रहा है, बहुत जन का ऐसा हो रहा है हम लोग का। ठीक है, ऐसे जो जो हैक कर रहे हैं उनका तो बैन होगा, लेकिन हम लोग का क्यों हो रहा है, तो इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप हैक करते हैं, यूज़ करते हैं, तो भैया इधर से चले जाइए, बाकी ये मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हैक बंद कर दो, काम चल जाएगा। नेक्स्ट आता है माउस के बारे में, आपको वेब पेज में लेके जाऊँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एरर मैसेज इन रिलेटेड टू एंटी चीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला आता है जो पॉपअप आता है, पता नहीं किन किन का आया होगा, बहुत जन का आया है। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में भी ये सब मैसेज पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये सब देखो, एरर मैसेज बैन हो चुका है, ये सब क्या क्या सॉफ्टवेयर बहुत डाल के रखे, सबका बैन हो चुका है, मतलब ये सब मैसेज आते रहते। तो मैं इन डेप्थ गया, एनालिसिस किया, तो जाके मुझे बहुत सारा मतलब पॉइंट या फैक्ट मालूम पड़ रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले तो बात करेंगे ये वाला एरर जिस जिसको आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनऑथोराइज प्रोग्राम्स और ऑटो माउस सिस्टम। तो ऑटो माउस सिस्टम उन लोग के पास होगा जिसके पास हाईटेक माउस होगा, लाइक लॉजिटेक। मेनली हम लॉजिटेक का यूज़ करते हैं, हाईटेक मीन्स लॉजिटेक जाते हैं। ठीक है, मेरा भी लॉजिटेक का माउस है, 5 50 तो हीरो एडिशन। तो इसमें क्या है, हम लोग जो की होता है ना उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अपने मुताबिक प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम रहता है। अगर ऐसा माउस है आपके पास तो वाला क्रैश आते रहते, तो आपको माउस चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके माउस में ख़राबी नहीं है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि आपका माउस ख़राब हो चुका है या आपके माउस में हैकिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ये पबजी पीसी वालों का जो एंटी चीट सोल्यूशन है उसमें बग है, ग्लीचेस है, ये प्रॉपर ये नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सब हो रहा है, मतलब किसी टीसी को भी मतलब वो लोग हैकिंग वगैरह सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक्स बटन वाला जो ये सॉफ्टवेयर रहता है ना, जो माउस का ये प्रोग्राम करता है, उसको भी अगर आप इंस्टॉल करके रखे हो, उसको अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं एमएसए बर्नर। ठीक है, मैं टाइप कर जाता हूँ जो जो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके यहाँ पर टाइप कर जा रहा हूँ, कौन का थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हम लोग 22 कर देते हैं। ठीक है, एम एस आई बर्नर आपके पास है, इसको अनइंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट आएगा CPU Z है तो अनइंस्टॉल कीजिए, GPU Z है सॉरी अनइंस्टॉल कीजिए, एक्स माउस बटन एक रहता है ना सॉफ्टवेयर, अगर ये है इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कीजिए। ठीक है, और मेनली बटन लिस्ट ये लास्ट नहीं है, बट बहुत सारा सॉफ्टवेयर निकल सकता है, बट VPN या ये अगर है तो इसको अनइंस्टॉल कीजिए। ठीक है, इन सब को अनइंस्टॉल करने के बाद अब क्या करना है आपको, ये मेरा सॉरी। ठीक है, इन सब को अनइंस्टॉल करने के बाद हमको क्या करना है, रन जाना है। ठीक है, एक्चुअली हाँ रन जा सकते हो, रन जा के टेम्प पे दबाओ, या फिर जितने अगर टेम्प्रेरी फाइल रहेगा ना उसको कंट्रोल करके डिलीट दबा दो, और जो एक दो फाइल रह जाएगा। मैंने ऑलरेडी मतलब जस्ट नाउ एक वीडियो मतलब इसी वीडियो में बना रहा था, तो अच्छा नहीं बना, तो रिकैप कर रहा हूँ, इसलिए ये सब डिलीट कर चुका है। तो ठीक है, आप लोग इसको क्लियर कीजिए, क्लियर करने के बाद एक दो फाइल ऐसा रह जाएगा, उसको मिटाने के लिए आप पीसी को रिस्टार्ट कीजिए। जब स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के तुरंत ही इसको फिर से रन जाके TMP दबाइए, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया
हम लोग का 50% कम, तो अभी बहुत जन का कम चल जाना चाहिए, ठीक है। लाइक 50% कम अभी सॉल्व होना चाहिए। अगर भी अगर अगर अभी तक आपका मतलब ये सॉल्व मतलब सॉल्व नहीं हुआ है, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। क्या आप ESP यूज़ करते हैं? आई मीन पबजी PC लाइट पे नहीं, पबजी मोबाइल एमुलेटर पे, ठीक है। अगर आप हैक करते हैं ESP हो, एमबोध हो, ये सब यूज़ करते हैं, तो आपको ये पबजी PC लाइट में बैन होने का चांसेस रहता है। पकड़ लो ये एक हैक फाइल है, ठीक है। अच्छा ये हैक फाइल नहीं है, ठीक है, मेरा लिंक है, कुछ डिस्कॉर्ड का लिंक है, मैंने ऐसे बना कर रखा है, ठीक है। और ये सब मत पूछना कि मुझे हैक के बारे में कैसे पता, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई है, मैंने देख लिया, बस जान लिया, इतना इतना तो कॉमन सेंस है सबके पास। तो ठीक है, तो ये है पकड़ लो हैक का फाइल। अब जब पबजी PC मोबाइल जब रन करते हैं, तो आप हैक फाइल को भी रन करते हैं, ठीक है, हैक करने के ऑफकोर्स। तो हैक फाइल क्या करते हैं, आपके सिस्टम फाइल में जो सिस्टम फाइल है उसमें इंजेक्ट करते हैं, तो दो तीन फाइल ट्रोजन वाला फाइल क्रिएट करते हैं। तो वो फाइल क्या करेगा, जो विंडोज का डिफेंडर सिस्टम है वो आपको डिलीट कर देता है। तो हैकर्स लोग क्या करते हैं, डिफेंडर में जाते हैं, ये जो ऑप्शन है ना, इन सभी को टर्न ऑफ करके रख देते हैं। अगर ये ऑन रहेगा वो फाइल को डिलीट करते रहेगा, उनका हैक काम नहीं करेगा, तो ये ऑफ करके हैक करता रहता है, ठीक है। ऊपर से टाइम जोन वगैरह भी सेंस करते हैं, तो टाइम जोन भी आप इंडिया इंडिया के मुताबिक रखो, जो एकदम सेट रखो। रहा हूँ, रुको, ये ऑटोमेटिक करो, टाइम जोन सेंड नहीं रखो, ये ऑटोमेटिक करके रखो, ठीक है। इन सब के साथ शेयर शेयर मत करो, तो ये सब भी रीज़न रहता है बैन होने का, क्योंकि उनको लगता है आप VPN यूज़ कर रहे हो, ठीक है। VPN यूज़ करने की ट्राई कर रहे हो, तो उन लोगों को LTE सिचुएशन का ऐसा लगता है, तो बैन करवा देते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ, हैक के बारे में। तो जब हैक ओपन करते हो, तो सिस्टम फाइल में एक हैक फाइल या ट्रोजन वायरस क्रिएट होता है, और डिफेंडर उसको डिफेंड करने की ट्राई करते हैं। अगर डिफेंडर को ऑफ कर दोगे, वो काम करेगा, और ऐसे आप पबजी मोबाइल को हैक कर सकते हो, ठीक है। पबजी मोबाइल हैक कर लिया, तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, वो जो फाइल क्रिएट किया था इस हैक फाइल ने सिस्टम में, वो फाइल रह जाता है। उसके रिस्टार्ट करने के बाद वो रिस्टार्ट, अगर रिस्टार्ट भी करोगे ना, वो फाइल हटेगा नहीं। तो जब अब उसके बाद अब जब पबजी PC लाइट को टर्न ऑन करते हैं या खेलने की ट्राई करते हैं, इसका जो एंटी सी सॉल्यूशन है, ये जो पबजी मोबाइल है, इससे बहुत ज़्यादा है, डिटेक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करने के कारण पबजी PC लाइट आपको बैन कर देते हैं, क्योंकि पबजी PC लाइट के फॉरम में लिखा हुआ है, जो टर्म एंड कंडीशन रहता है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर आप किसी दूसरे गेम के लिए भी हैक यूज़ कर रहे हो, तो पबजी PC लाइट आपको बैन करवा देगा, ठीक है। जो जो लोग हैक कर रहे हैं, भाई अब से बंद कर दो, अगर आपको पबजी PC लाइट खेलना है। इवन हैकिंग करना ही क्यों है भाई, अपना स्किल बढ़ाओ, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को ऊपर लेके जाओ भाई, हैक नहीं करना, ये गलत बात है, ठीक है। अगर आप लोग अकाउंट बैन हो रहा है तो सही है, स्टिल आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका ये नहीं हो रहा है, हालांकि हो जाना चाहिए, अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपका अनबैन मतलब बैन हो रहा है, ठीक है। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ इधर, अगर आपका अकाउंट बैन हो चुका है, तो उसको अनबैन करने का कुछ भी तरीका नहीं है, ठीक है। इवन मेरे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अगर वो लोग चाहे, पबजी वाला चाहे तो आपको दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते। अभी की देखो, जो पबजी लाए थे वो बीटा वर्जन में, सबको पता है, हम सभी को पता है, तो उसमें जो एंटी चीट सॉल्यूशन है, उसमें बहुत सारे बग है, ग्लीचेस है, तो इसलिए ये सब मतलब ये सब बैन हो रहे हैं, हम सभी को पता है, ठीक है। ये जब फिक्स हो जाएगा, शायद वो लोग अपना 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 जो अकाउंट था, जो हैक नहीं करके यूज़ कर रहे थे, जो जिसका ऐसे ही मतलब बैन हो गया, उसका अकाउंट शायद वापस कर दे, नहीं भी कर दे, उसका गारंटी मैं नहीं लेने वाला, ठीक है। तो आपको नया आईडी बनाना है, खेलना है, तो नया आईडी बनाना पड़ेगा। तो नया आईडी को बैन होने से कैसे प्रिवेंट करें, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो, अगर आप बोल रहे हैं कि आपका 100 से का बैन लग गया है, उसको अनबैन कैसे करना है, भाई उसके लिए आप हेल्प मांग के मेरे पास मत आओ, आप नया आईडी बनाओ, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसको उसके उसको जानने के लिए आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फायरवॉल पे जाना है, ये वाला जो ऑप्शन है, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, एलाओ ऐप, फिर सेटिंग्स पे जाएंगे, एलाओ अनदर ऐप, ब्राउज करेंगे, जहाँ पे आपका पबजी PC लाइट क्या होगा, लॉन्चर एंड लॉन्चर जिनको हम एक एक करके ओपन करके यहाँ ऐड कर देंगे। हालांकि मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, इसलिए मैं इसको ऐड नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, PC को रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करके फिर से टेम्पररी फाइल को डिलीट करना है। टेम्पररी फाइल कैसे, हमको बोला रन में जाके, ठीक है, TMP दबा के ये सब करना है।
तो आपको 90% लोगों का अब सोल्यूशन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मैं भी सोल्यूशन दे रहा हूँ ना, बहुत जन लोग का बैन आ रहा है। मैं डिस्को पे दिखा भी चुका, बहुत सारे मेरे लास्ट वाले वीडियो पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मैं भी बहुत जन के बात जन से बात कर चुका हूँ। तो सबका बैन होने का रीज़न अलग अलग है, और मोस्ट ऑफ लोग बैन हो रहे हैं इसी रीज़न के लिए, ठीक है। तो इसमें अब 90% लोगों का जो बैन का रीज़न है वो सॉल्व कर दिया मैंने। बच्चे कुछ है जो 10% लोग है उसका रीज़न अभी तक मुझे पता नहीं है, ठीक है। अगर मुझे पता होता इसी वीडियो में इंक्लूड कर देता, तो मैं रिसर्च जारी रखूँगा। अगर कुछ पता चले तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। आपको इस वीडियो को डिसलाइक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सही में हेल्प चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि मैं नेक्स्ट एक दो दिन में भी अब तक सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा। ऊपर से आप डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा, ताकि मैं और मेरा दोस्त लोग आपको हेल्प कर सके। ये गारंटी नहीं दे सकते कि हेल्प करके ही दूंगा, हम लोग ट्राई करेंगे। हम लोग के पास बहुत टेक्नीशियन भी है, लोग है, ठीक है, बहुत जन ऐसा लोग भी है जिन लोगों को बहुत कुछ आता है। तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए, कीजिए, आपका प्रॉब्लम क्या है इसको इश्यू बताइए, स्क्रीन शॉट देके भेजिए, उससे हम वॉइस में बात कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व करके मतलब सॉल्व कर दिया है। अगर सॉल्व नहीं भी किया, आपका रीज़न बता मतलब रीज़न पता चल चुका होगा कि किस लिए आप लोगों का अकाउंट बैन हो रहा है, ठीक है। तो हैक वैक मत कीजिए। अच्छा, मैं ये कुछ चल रहा था इनका, चलो हैक वैक मत कीजिए, यहाँ पे आप जाइए। हाँ, या आप लोगों का अकाउंट बैन हो चुका है, अगर हैकर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, पबजी का जो ये है ना, एक सबमिट टिकट वाला ऑप्शन रहता है इधर पे, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा आप लोग को, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा ये लिंक, मैं दे दूंगा। तो इधर पे क्लिक करके आपको जाना है। तो यहाँ पे का ईमेल एड्रेस, इशू क्या है, ठीक है। तो एक ग्लोबल यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या करने क्या नहीं, यहाँ पे डिस्क्राइब करके अगर आपके पास कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह है तो वेरीफाई करके सेंड कर दीजिए। ये लोग आपको रिप्लाई देगा विद इन 1 to 2 days, मुझे भी रिप्लाई दे चुका है। तो अभी एक दो बंदे अगर यहाँ पे जाए, अगर बहुत जन को यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है, क्या करने क्या नहीं, बैन हो गया, वो लोग दूसरा आदमी बने खेल रहे हैं, तो उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। उन लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि अभी तो जो आपको बैन कर रहे हो प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग एंटी जो भी सोल्यूशन हो, एंटी सीट सोल्यूशन जो भी हो वो बैन कर रहे हैं। तो रियल आदमी जो है वो अब तुम लोग को वेरीफाई नहीं कर रहे कि सच्ची में बंदा हैक कर रहा है कि नहीं है। तुम जब क्लेम करोगे तभी जाकर उनको पता चलेगा, अच्छा इतना सारा क्लेमिंग क्यों आ रहा है, शायद कुछ गलत हो सकता है। अगर तुम क्लेम नहीं करोगे वो लोग भी सोच लेगा कि तुम सही में हैकर थे। तो यहाँ पे जाके तुमको सबमिट टिकट करना है, मैंने तो अपना सबमिट टिकट करवा दिया है। जिन जिन लोगों ने भी नहीं किया है, अगर अपने दोस्तों भी ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोलो क्योंकि मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, बस हेल्प करना चाहता हूँ। अब डायरेक्ट लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए इसका, वो लोग सबमिट टिकट करेगा। अगर बहुत जन ऐसे करेंगे वो लोग ऑब्वियसली एक नया अपडेट लाएगा जिसमें से आप लोगों का पुराना वाला अकाउंट भी अनबैन हो जाए। तो गारंटी नहीं ले सकता कि वो लोग अनबैन करके, क्योंकि तो उन लोग के हाथ में है। मैं जस्ट एक तरीका दे सकता हूँ, अगर बहुत जन लोग यहाँ पे लिखेगा अपना प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है तो शायद वो लोग अपने बारे में सुन ले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी कुछ हेल्प किया है, एटलीस्ट हेल्प नहीं करने के मतलब हेल्प नहीं किया, अगर थोड़ा कुछ जानकारी मिला है, जानकारी भी दे चुका हूँ ना मैं हेल्प, ऑफकोर्स मैं पूरे लोगों को तो हेल्प नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसमें इतना मैं बस 5 या 6 ट्रिक्स बता चुका हूँ, मतलब कैसे आपको प्रिवेंट करना है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होगा जो पबजी पीसी लाइट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको भी मैं इंक्लूड करता जाऊँगा। तो जिन लोगों का भी मदद हुआ है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ भाई, डिसलाइक मत देना, क्योंकि पता है अब जिन जिन लोगों का हेल्प नहीं कर पाया मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने के, प्लीज़ डिसलाइक मत देना, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ मैं भाई, बहुत ये सब रिसर्च करना पड़ता है, बहुत टाइम चाहता है, ठीक है। आप लोग भी रिसर्च किया, बहुत कुछ नहीं मिला होगा तो मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग के जिन लोग का नहीं हो रहा है उनके लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए। मैं खुद अगर मेरा दोस्त लोग और मेरा जो टेक्नीशियन वो लोग हेल्प नहीं कर रहे, मैं खुद ट्राई करूँगा आप लोग को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो भाई वीडियो को डिसलाइक मत करना, क्योंकि हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, बुरा लगता है, मेहनत को मतलब फल नहीं मिलता, जो बोलते हैं ना, ठीक है भाई। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं जल्दी ही 2-3 दिन में बाकी जो प्रॉब्लम है उनका भी वीडियो लेके आऊँगा। तो टिल देन बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.